आशिकी आशिकी आशिकी। घिन आती है मुझे घिन, एक इंसान दूसरे इंसान से इंसान होने का कैसे छीन सकता है। ये लोगों के सामने नुमाइश करने की बात नहीं है, मुंह छुपाने की बात है, जान की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। मिस्टर जयंत राजगिल, क्यों बेइज्जती फील हुई? जो लड़का कल तक आपको बड़े पापा कहता था, आज आपको नाम से बुला रहा है। आप तो बड़े पापा कहलाने के लायक नहीं है। बड़े पापा तो क्या, आप किसी रिश्ते के लायक नहीं है। इच्छा है वो भाई का हो, बेटे का या फिर पति का। आप सिर्फ पैसों के अमीर होने के लायक है, किसी के खरीददार बनने के लायक है। किसी की गरीबी, किसी की मजबूरी खरीदकर किसी के मालिक बनने के लायक है। और आपको पता है, जो किसी की गरीबी, किसी की मजबूरी को खरीदते हैं, वो कहां से गरीब होते हैं? यहां से मिस्टर धनराजगिर। ये क्या कर रहा है? पंखी को आजाद कर रहा है। जिन पैरों में मैं पायल पहनाना चाहता था, उन पैरों में आपने घुंघरू बांध दिए। अरे जिस उम्र में लोग किसी की बेटी को अपनी बहू बनाते हैं, आपने किसी की बेटी को अपनी रखनी बना लिया। जानता बहुत लड़ी होगी पंक्ति, बहुत कोशिश की होगी खुद को बचाने की, पर ये बेचारी क्या करती जब इसके सामने आप और उसकी मां थे। आज के बाद पंक्ति की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। याद रखना, मैं भी धनराजगिर हूं। रुको आहन,
मिनट। हेलो आदर्श, मेरा एक काम करना। थैंक गॉड ये सब हमारी वजह से नहीं हुआ बल्कि जैन साहब के उस भतीजे की वजह से हुआ। काम हो जाएगा सर, डोंट वरी, मैं अभी फोन लगा रहा हूँ। आहन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मैं पूरी बात घुमा दूंगा। पक्का? जी बिल्कुल सर, वैसे भी वो दुबई नहीं गया, इस बात का पूरा फायदा उठा जा सकता है। जो भी करना है जल्दी करो, मेरे घर पहुंचने से पहले। जी सर। हेलो मानव धनराज गिर। तालियां संभाल के रखो, मनोरंजन अभी भी बाकी है। हैप्पी बर्थडे टू बाबू। तुम्हारा मालिक तो अभी आया है, अब तो तुम्हें और भी जोश से नाचना चाहिए। मेरी बाबू पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पटाने रखी है, खरीद रखी है, और वो भी मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा। एक ना एक दिन बाबू मान ही जाएगी कि वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, रखनी है मेरी, और जिसको मैंने सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए खरीद रखा है। मेरी बाबू पर सिर्फ मनोरंजन के लिए मनोरंजन के लिए मनोरंजन मनोरंजन के लिए मनोरंजन रखनी। गाड़ी रोक। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आन को कुछ भी पता लगी थी। मुझे डर लग रहे थे वो कहीं कुछ करना बैठी। हाँ डर तो मुझे भी लगा है, टेंशन भी हो रही है। सोचो पर्दाफाश हुआ जैन साहब का और नुकसान हो गया मेरा। पता नहीं अगला चेक आएगा अभी या नहीं। अच्छा है पहले मोटा एडवांस ले लिया था, हमारा तमाशा बनाने वाले थे, अब असली नौटंकी उन्हीं के घर में होगी। और यहाँ मुझे तो पहले दिन से ही पता था, पनौती है पनौती, एक दिन बिजनेस का बत्था बिता के ही जाएगा। अब वो घर जाके उनका सारा भांडा फोड़ देगा। वैसे जैन साहब की काफी कमीनी चीज है, ऐसा भी हो सकता है कि उसे घर पहुंचने ही न दे, है ना? बस करो माँ। मैंने कहा था ना मत करो ये सब, लेकिन नहीं माँ तो तुम लोगों की दुश्मन है। जो बच्चे अपनी माँ बाप की बात नहीं मानते ना उनके साथ ऐसा ही होता होगा। अब भुगतो, मैं क्या करूँ? अब मैं नहीं जानती जैन साहब इस लड़के के साथ क्या करने वाले हैं। वाह मानव जी, आपको तो बहुत खुश लग रहा है आज। मेरे को 2 करोड़ का नुकसान हुआ है आपके बेटे की वजह से, 2 करोड़। एंड आई नीड दैट मनी। आदर्श काम डाउन, काम डाउन। मैंने तुम्हें फोन करके बोला था ना, आज सुबह ही आहान दुबई गया है, जरूर कोई गलतफहमी हुई। गलतफहमी? जरूर आपका गलतफहमी दूर करते हैं। देख लीजिए महाराज जी, सिंगर आहान धनराज गिर का नया कारनामा, दुबई कॉन्सर्ट में कमिट करने के बाद पहुंचे ही नहीं, जिसके कारण लोगों में भारी रोष, कई लोगों ने हंगामा मचाया और तोड़फोड़ भी की। आहा
भगवान फोन भी नहीं उठा रहा। कहाँ हो आहान? मानव जी, क्या हुआ आहान को और क्या कह रहे हैं आदर्श जी? आहान दुबई नहीं पहुंचा। क्या तू शिकार खुले में कर रहा है, इसलिए तेरा शिकार तेरी नजरों से छिपकर पर्दे के पीछे चला जाता है। क्यों ना तू एक बार पर्दे के पीछे चला जाए, फिर देखता तेरा शिकार खुद ब खुद तेरी नजरों के सामने आ जाएगा। इसका मतलब आहान को उसका शिकार मिल गया और किसी वजह से वो दुबई नहीं गया। शिकार? अपर्णा जी, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? एक सेकंड मानव जी, छुपा के तो आप अपनी बेटी को रखिए, जितना नुकसान किया ऑर्गेनाइजर को उसे छोड़ेगा नहीं। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे, यहाँ हमारा बेटा नहीं मिल रहा और आप है कि उसे मुझे क्या फर्क पड़ता है, वो जिए मरे उसे मैं। आदर्श, आहान बेटा है मेरा, उसके खिलाफ एक भी लफ्ज सुनूंगा नहीं मैं। चुपचाप खड़े रहो वरना निकलो यहां से। निकल तो मैं जाऊंगा, अब मेरे मुंह पर ऊपर पैसा फेंक दीजिए, हम चले जाएंगे। मालिक तो अभी आया है। ये घर नहीं है, ये जेल है। I love you, पंक्ति शर्मा। मेरी बाबू पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मैं बिक चुकी हूँ, मैं एक अमीर आदमी की रखनी हूँ। मैं बिक चुकी हूँ। पंक्ति से दूर रहो। मैं बिक चुकी हूँ। पंक्ति से दूर रहो। मैं बिक चुकी हूँ। मैं बिक चुकी हूँ। पंक्ति, पंक्ति। तूने मंगवाई? आराम से यार, जला देगी। चल गया है सब अंदर। उसे ही बुझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे सही चीज है ना ये? सारे एहसास मार देती है तो ऑटोमेटिकली गम भी मर जाता है, लेकिन पंक्ति के प्यार ने तो इस शराब को भी फेल कर दिया। भगवान भी फेल हो गया, तेरे प्यार को भी फेल कर दिया, तेरे प्यार को भी फेल कर दिया। चलते, अभी तूफान आने वाला है। तूफान आ गया, तूफान तो अब आ गया। बाकी पैसे बाद में मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आहान के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ऐसा नुकसान करवाऊंगा कि कभी कोई भी उसे भर नहीं पाएगा। आहान यही है क्या? आहान दुबई पहुंचा ही नहीं, पता नहीं कहां है। गुस्सा मत करो मानव, हो सकता है कि कोई कारण हो। बात हुई क्या आहान से? हाँ,
फोन लगा रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। थैंक गॉड जेरी तुम आ गए। ये मिस्टर रतन इतनी रात को हंगामा कर रहे थे इसे तुम्हें फोन करना पड़ गया। अब आप खुद जाएंगे या पुलिस की जीप में जाना पसंद करेंगे? मैंने कहा ना पैसे मिल जाएंगे मतलब मिल जाएंगे। जीरी साहब जब आप कह रहे तो हम निकल जाएंगे। पर अहान तो सुबह दुबई जाने के लिए मांग गया था ना। क्या अहान सच में दुबई नहीं गया है? हे भगवान बस वो ठीक हो। खरीद रखी है और वो भी मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा। और तेज चला। स्पीड लिमिट है यार। लिमिट लिमिट। जब भगवान ने पंक्ति को दुख देने में किसी लिमिट की परवाह नहीं की और न ही आशो ने उसे मजबूर करने में किसी लिमिट की परवाह नहीं की। बड़े पापा ने झूठ बोलने में किसी लिमिट की परवाह नहीं की। अपने लेवल से नीचे गिरने में किसी लिमिट की परवाह नहीं की। तू स्पीड लिमिट की परवाह कर रहा है। स्पीड लिमिट लिमिट पंक्ति फोन करिए यार उठा ले एक बार बात कर ले। किस मुंह से बात करूं? किस मुंह से? तुझे पता है मैंने वादा किया था उससे आजाद कर दूंगा उसे। मैं तो खुद कह दूं रिश्तों में धोखा दिया है यार मैंने उससे धोखा। पंक्ति वो अभी दी एंड। तुम तो बहुत चबर चबर करने लगी हो उसके प्यार में। पंक्ति उसकी हालत देखो वो बोल भी नहीं पा रहा। अभी भी मौका है निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से वरना वो दिन दूर नहीं जब चैन साहब तुम दोनों को इस दुनिया से ही निकाल देंगे। वो तो मरेगा ही साथ में तुम भी मरो। तुम्हें क्या लगता है मैं हवा में बात कर रही हूं? इस वक्त हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आहन का एक्सीडेंट हो जाए और अगर आज बच गया तो फिर से वापस हो जाए और तब तक होता रहे जब तक जयंत साहब को वो नहीं मिल जाता जो वो चाहते हैं। पंक्ति मुझे आहन की परवाह नहीं है लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। मैंने कभी तो दिमाग से काम लिया कर पंक्ति और आप कभी तो दिल से काम लिया कीजिए माँ। पंक्ति मैं नुकसान नहीं करवाना चाहती। देख पंक्ति कुछ लोगों की नसीब में प्यार होता है लेकिन पैसा नहीं लेकिन तुम्हारी किस्मत में पैसे हैं लेकिन प्यार नहीं क्योंकि तुम्हारी किस्मत भगवान ने नहीं लिखी है मैंने लिखी है और वो भी बहुत सोच समझ के। तो फिर आप भी सुन लीजिए माँ आहान ने आके वो किस्मत बदल दी। इस वक्त मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है माँ ना आपके बिजनेस की और ना ही अपनी किस्मत की।
इस वक्त सिर्फ मुझे आहान की फिक्र है।